अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम इंटरनेट में लेसन नंबर 30 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट लेसन है आपका इंटरनेट का। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट योर वाईफाई पासवर्ड, आप वाईफाई पासवर्ड कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने वाईफाई नेम को कैसे हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैक फिल्टर का क्या फंक्शन है और मैक फिल्टर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें, मेरे पास यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। यहाँ पे अपने टाइप करना है 192.168.1.1। एडमिन देना है हमें यहाँ पे, एडमिन पासवर्ड यूजर नेम आपने देना है, यहाँ पे एडमिन पासवर्ड भी आपने एडमिन ही देना है। राउटर आपके पास आ गया। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो पासवर्ड चेंज करने के लिए देखें, यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड लिखा हुआ है @tamur123। आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप जो भी पासवर्ड लगाएंगे वो पासवर्ड आप बस लग जाएगा। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज करके अपने सेव पे क्लिक करना तो सेव हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर आप एडवांस सेटिंग में जाएं और आपने वायरलेस में अगर आप चाहते हैं आपका वाईफाई जो है ये हाइड हो जाए, वाईफाई नेम जो है ये हाइड हो जाए, तो आप देखें मैंने इसको अनचेक किया हुआ है, अभी हाइड नहीं है। तो जब भी मैं इसको सर्च करूंगा अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, जहां भी सर्च करूंगा तो मेरे पास सामने यहाँ पे आ जाएगा जी हिडन नेटवर्क है। देखें ये मेरे पास हिडन नेटवर्क है अभी फिलहाल, तो मैं आपको मोबाइल में बताता हूँ। मोबाइल है मेरे पास, अभी जब मैं फॉर एग्जांपल यहां पे अपना वाईफाई जो है विंडो 10 जो है इसको मैं यहां से डिस्कनेक्ट करता हूं, अब देखें जरा मैं वाईफाई यहां पे सर्च कर रहा हूं, वाईफाई मेरे पास है। मैं यहां पे सेटिंग में जाता हूं और वाईफाई में सर्च कर रहा हूं तो मेरे पास अभी विंडो 10 आ रहा है। मैं इसको फॉरगेट करता हूं, मैंने एक बार चेक किया हुआ, मैंने सर्च किया हुआ था। ओके, अब देखिए मेरे पास वाईफाई यहां पे ये सर्च नहीं करेगा। देखें सर्च और वाईफाई, और वाईफाई मेरे पास ये सर्च नहीं कर रहा, हालांकि मेरे पास वाईफाई कनेक्ट है जो कि विंडो के नाम से कनेक्ट है मेरे पास। अब ये फंक्शन जो है, ये फायदा किस बेस पे है कि आपका वाईफाई जो है यहां पे, इसका फंक्शन ये है कि जब मैं यहां पे आप देखिए तो मेरे पास हाइट है पीटीसी बीपीआर, लेकिन मेरा वाईफाई नहीं है। तो जब मैं यहां पे इसको हाइड करता हूं तो ये मेरे पास हाइड रह जाता है। अगर मैं इसको सेव करूं, अगर मैं हाइड नहीं करना चाह रहा तो मैं इसको हाइड खत्म करके मैं इसको अप्लाई करता हूं। काम कर रही है, अभी अप्लाई हो जाएगा और ये मेरे पास जब भी कोई देखेगा मेरा वाईफाई सर्च करेगा तो इसका मेरे पास ये वाईफाई आ जाएगा। तो इसका नुकसान ये कि आपके मोहल्ले में या आपके पड़ोस में कोई भी लोग हैं वो आपका वाईफाई कहते हैं कि यार ये हमारे आपके पास ये वाईफाई आप लगा हुआ है तो आप हमें इसका पासवर्ड दीजिए, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं ताकि आपसे कोई पासवर्ड ना मांग सके। अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, अप्लाई कर लिया। अब अगर आप देखें तो मैं वाईफाई आपको बताता हूँ, तो मेरे पास वाईफाई में आप देखें तो विंडो 10 का मेरे पास एक वाईफाई सामने आ गया। आप देखें विंडो 10 का वाईफाई मेरे पास आ गया, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और फिर जब पासवर्ड में दूंगा तो मेरे पास कनेक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ नहीं मेरा वाईफाई हाइड रहे, कोई भी ना देख सके, जिस बंदे को नाम पता हो मेरे वाईफाई का सिर्फ वही इसको देख सके। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब मेरे पास ये डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ विंडो 10 को। कनेक्ट हो चुकी है और मैं यहां से इसको रिफ्रेश करता हूँ डीएसएल राउटर सेटिंग को। वायरलेस पे क्लिक करूंगा,
ओके, वायरलेस सेटिंग भी क्लिक करता हूँ। मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाके तो दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। एडवांस सेटिंग, वायरलेस। अब मेरे पास ये जो विंडो 10 है इसको मैं हाइड करना चाह रहा हूँ। हाइड पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ से अप्लाई करेंगे वायरलेस में जाके, तो ये आपके पास हमेशा हाइड रहेगा। अब आप सब भी सर्च करेंगे तो आपको सामने नहीं आएगा। ओके, मैं अपने मोबाइल में जाके देखता हूँ। अब आप जरा देखें यहाँ पे, तो विंडो 10 अभी मेरे पास, क्योंकि मैंने पहले से ओपन किया हुआ था, तो बैक जाता हूँ वाईफाई। देखिए तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो आपका वाईफाई हाइड हो गया। अब अपने इसको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और बाद लोगे जो मोबाइल, जैसे कि आपके पास जो और मोबाइल होते हैं जिनमें HTC के अलावा जितने मोबाइल हैं, जिसमें आपके पास जी क्यों मोबाइल आ जाते हैं, उसके अलावा गैलेक्सी आ जाते हैं, सैमसंग गैलेक्सी, उनमें यहाँ पे प्लस का बटन बना होता है, प्लस पे क्लिक करके अपने नाम देना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड नेटवर्क पे क्लिक करूंगा, नाम दूंगा। अब मुझे, मेरा पता है मेरे वाईफाई का नाम क्या है, विंडो 10। सेव, विंडो 10 आ गया, क्लिक करें यहाँ पे। ओके, विंडो 10 आ गया, क्लिक करें यहाँ पे, पासवर्ड दे दें। अभी कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया, देख सकते हैं, सही है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैक फिल्टर, आप चाहते हैं कि आप जब तक किसी को परमिशन ना दें तो वो आपका यहाँ पे ऐड ना हो सके, मैक फिल्टर। तो मैक फिल्टर में क्या है कि आप जिस जिसको ऐड करना चाहें अपने वाईफाई से, तो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके, अगर कोई बंदा जब तक यहाँ पे आपसे कहेगा नहीं, आप उसका एड्रेस, उसका मैक एड्रेस जो है, जो कि मोबाइल में होता है, कंप्यूटर के एक मैक एड्रेस होता है, वो जब तक आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तब तक वो आपके पास कनेक्ट नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए आप ऐड पे क्लिक करेंगे, मैक एड्रेस आपने देना है। तो मैक एड्रेस कहाँ पे होता है, आप इसको अलाउ करेंगे, तो मैक एड्रेस आपके पास होता है जी, यहाँ पे जाएं सेटिंग में और यहाँ पे आप वाईफाई पे क्लिक करके यहाँ पे जाके एडवांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाएं तो आपको बस यहाँ पे ये मैक एड्रेस ये लिखा हुआ है, ये जी मैक एड्रेस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये मैक एड्रेस है। ओके, तो ये मैक एड्रेस आपने वहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद ये जो कुछ लिखा हुआ है ICB B09484 1180, ये आपने वहाँ पे टाइप करेंगे तो सिर्फ ये वाला मोबाइल आपका वहाँ पे एक्सेस होगा, सिर्फ ये मोबाइल वहाँ पे चल सकेगा। तो ये करने के बाद आपने अलाउ करना है, ठीक। आप जब यहाँ पे ये ऐड कर लेंगे, ये नाम वहाँ पे, ये मैक एड्रेस यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपने क्या ऐड करना है जी, यहाँ पे मैक एड्रेस क्या है, 1C ये डाला मैंने, B0, ये सारा काम करने के बाद आपने अप्लाई एंड सेव करना है। अप्लाई सेव करने के बाद मैक फिल्टर में आपको ऑप्शन देगा, आपने अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये जो लोग होंगे जिनके अपने मैक एड्रेस ऐड किए हुए, तो सिर्फ ये लोग एक्सेस हो सकेंगे। तो आप तकरीबन 16 लोगों को ऐड कर सकते हैं इसमें, तो उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेरे राउटर में 16 लोगों को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये होता है जी मैक फिल्टर का फायदा होता है कि मैक फिल्टर में अगर किसी को आपको पासवर्ड भी पता है तो फिर भी वो ऐड नहीं हो सके, जब तक आप खुद उसे अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से या फिर अपने मोबाइल से जब तक आप उसे ऐड नहीं करेंगे, उसका मैक एड्रेस यहाँ पे आप एंटर नहीं करेंगे। तो
तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जी आपके इंटरनेट के लिए, कि आप अपने इंटरनेट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि आपका इंटरनेट को यूज़ ना कर सके, या फिर अपने आपके इंटरनेट, अगर आप किसी को पासवर्ड देते भी हैं तो आगे से काफ़ी सारे लोगों को दे देते हैं पासवर्ड, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आप पे कौन कौन से लोग एक्सेस हैं इसमें, अभी कौन कौन से लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद वायरलेस में आप जाएँ तो यहाँ पे वायरलेस पेज में स्टेटस इन्फो है, स्टेटस इन्फो में कौन कौन से लोग यूज कर रहे हैं इसको, तो उनका ये एड्रेस है, मैक एड्रेस उन सबका है, 3 लोग इसको अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाती है इन्फो। अगर आप यहाँ से देखते हैं आपके पास 10-12 लोग ऐड हैं और आपको तो पता ही नहीं कि कितने लोग ऐड हैं, आपका नेट इंटरनेट स्लो भी है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मैक फिल्टर अप्लाई करें, या फिर नाम चेंज करके आप वायरलेस में जाएं और यहाँ पे अपना नाम चेंज करने, इसका नाम चेंज करने के बाद आप चेक करें कि यहाँ से नेम नाम चेंज करें और इसको हाइड कर दें, तो ये हाइड हो जाएगा। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें आपको मैंने सिखाया कि आप कैसे इस पे काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बल्कि नेक्स्ट ओके, तो यहाँ तक काफ़ी है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।